नमस्कार, मैं आरके जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज। समस्तीपुर में बढ़ते भ्रष्टाचार को लेकर आए दिन कई मामले सामने आते हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को निगरानी विभाग की टीम ने मथुरापुर थाना के ओपी अध्यक्ष एवं बारिश नगर प्रखंड के सीओ को घूस लेते रंगे हाथ दबोच लिया। निगरानी विभाग के द्वारा पहले इस मामले की जांच की गई, इसके बाद उन्हें रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। सीओ एवं ओपी अध्यक्ष की गिरफ्तारी की खबर पूरे जिले में आग की तरह फैल गई। मिली जानकारी के अनुसार निगरानी विभाग को सूचना मिली थी कि एक जमीन विवाद को लेकर बारिश नगर प्रखंड के अंचल पदाधिकारी सीओ संतोष कुमार द्वारा 25,000 रुपये एवं मथुरापुर ओपी अध्यक्ष संजय कुमार सिंह द्वारा 20,000 रुपये की रिश्वत मांगी गई थी, जिसके बाद पीड़ित द्वारा निगरानी विभाग को संपर्क कर घटना की सूचना दी गई। जांच के बाद निगरानी विभाग ने इस मामले को सत्य पाते हुए धावा दल का गठन किया। मंगलवार को कार्यालय खुलते ही निगरानी विभाग द्वारा गठित धावा दल के 3 DSP तथा 3 इंस्पेक्टर ने 5 गाड़ी से प्रखंड चौक स्थित पावर हाउस ग्राउंड में पहुंचकर पार्टी को 20,000 रुपये देकर सीओ के कक्ष में भेजा। सीओ जब पार्टी से पैसे ले रहे थे, उसी समय निगरानी विभाग की टीम ने कक्ष में घुसकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया और पावर हाउस से लगी गाड़ी में पैदल लेकर पटना की ओर चले गए। वहीं दूसरी ओर मथुरापुर ओपी में निगरानी की अन्य टीमों ने छापेमारी करते हुए ओपी अध्यक्ष संजय कुमार सिंह को 20,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। यहां भी एक व्यक्ति के द्वारा निगरानी विभाग की शिकायत की गई थी कि ओपी अध्यक्ष के द्वारा एक केस के सिलसिले में मोटी रकम की मांग की जा रही है। मामला ये है कि सुनील कुमार नायक जो इस कांड के परिवादी हैं, उनकी बहन मंजू देवी जो मुस्मात है, उनके 5 भाई थे। 5ों के जमीन का बंटवारा आपसी हो गया था, लेकिन जब मंजू अपने मायके में रह रही थी, इसी बीच में इन लोगों ने उस जमीन पर उनके परिवार के लोग दूसरे के हाथ से जमीन बेच दी, जिसपे इन्होंने विरोध किया। विरोध करने पर उन लोगों ने जब यहाँ पर अपना दावा पेश किया तो उन लोगों ने वहाँ दावा पर ऑब्जेक्शन विरोध किया, तो आकर के आवेदन सीओ और थाना प्रभारी पे हुए, जिसके संबंध में जनता दरबार में भी एक मामला गया। वहाँ से इन लोगों ने रिपोर्ट सबमिट करने के लिए थाना प्रभारी ने मंजू देवी से 25,000 रुपया का डिमांड किया और सीओ ने 20,000 रुपया का। इसके संबंध में जब निगरानी को इसकी सूचना दिया गया तो वहाँ से सत्यापन कराया गया, बाद सत्य पाया गया। इसके बाद आज इस कांड में धावा दल का गठन किया गया, जिसमें 2 पार्टी बनाया गया। एक का नेतृत्व तो श्री सुरेंद्र कुमार मगवार पुलिस उपाधीक्षक कर रहे थे, जो सीओ बारिश नगर श्री संतोष कुमार सिंह को पादी के परिजन से रिश्वत की राशि 20,000 रुपया लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। फिर यहाँ मेरे नेतृत्व में परिवादी के द्वारा थाना प्रभारी संजय कुमार सिंह को थाने कक्ष में पैसा दे लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। यही घटना है मथुरा ओपी के थाना प्रभारी। सर, आपका परिचय? मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद, पुलिस उपाधीक्षक निगरानी अन्वेषण ब्यूरो बिहार पटना। थैंक यू। नमस्कार, मैं आरके जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज। अगर आप जनमत की पुकार को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, या फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, फॉलो करें।